पैकेज से दिया 0305 90 87 double 64। आपके साथ कौन कौन है, नाम लिखवा दे, नाम लिखवा दे, चले मेरी अम्मी का नाम लिखने, मजीदा बीबी जी, लाइबा लाइबा, मरियम वो बाद में आएंगे ना, हम उन्हें अलिशबा जी, खाला रजिया, रजिया रजिया नाम लिखने, रजिया जी, दो बच्ची हैं छोटी साथ, एक का नाम इशल, इशल आई एस एच ए, ठीक है, छोटी बच्ची का नाम अभिहा, ठीक है, सेम नंबर, सेम नंबर है, ये एक ही नंबर है, ओके जी, जजाकल्लाह खैर, इनका सीधा वक्त सुन लीजिएगा, अल्लाह हाफिज़ कह दीजिएगा, अच्छा यूट्यूब पर वीडियो डालनी होती है, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जजाकल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़। और अब हमें किस तरफ जाना है जी, आपने यहाँ से ना स्ट्रेट पे जाना, आप लाइन में जाइएगा, लाइन में जाके ऊपर जी, ऊपर जाइएगा, वहाँ से लेफ्ट, लेफ्ट इधर, चलिए जी, मेरे पीछे पीछे आ जाए, मेरे पीछे पीछे आ जाए, मेरे पीछे पीछे जी, अब हम जा रहे हैं, हमको ऊपर भेजा जा रहा है, चले जाके देखते हैं, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, आजे 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 आजे, क्या हुआ है, आ जाओ अरिशवा बेटी, आप पहले आओ, इसको खोलो, इसके अंदर एक स्टैंड है, वो मुझे निकाल दो, ऑरेंज कलर का, आजे आजे आजे, वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, जी यहाँ पे हमको बहुत प्यारी प्यारी बातियाँ मिल रही हैं माशाल्लाह, वालेकुम सलाम,
हम जहाँ बैठना चाहें वहीं बैठ सकते हैं। ये सेंटर में कहीं पर भी बैठ जाएँ आप, मतलब फर्स्ट जो दो मतलब रो है ना उसमें फर्स्ट वाली दो चेयर पर ही छोड़, हाँ वो सामने के छोड़ के, बकाया जितनी जगह है जहाँ मर्जी आप। ठीक है जी, ओके। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, बहुत शुक्रिया। देखिए माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त हॉल है, माशा अल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही, सुबहान अल्लाह अल अज़ीम। मेरे पीछे पीछे आ दें बेटे, स्टैंड वो निकाल लिया। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जल्दी आ जाओ। बात सुनो, इधर वाली दाई तरफ बैठना, बाई तरफ जी। उन्होंने सेंटर वाली रो का है, पहले पूछो वो कौन सी सेंटर वाली रो। मैंने पता कर लिया है। अच्छा, वो पहले दो बजे वो वाली, वो जो है ना वो, वहाँ नहीं बैठना, इधर वाली पीछे बैठना। हम इधर वाली साइड पे ले लेंगे, इधर ही बैठ जाते इधर, हम राइट यहाँ दरम्यान में बैठ दें, वो फिर उधर जाना पड़ना, यहाँ बैठ जाते हैं। ये वाला सही बात है, ये वाला ठीक है ना। हाँ अच्छा, चलो इधर आ जाओ, चलो इसको खोलो, सीट को खोलो और बैठते जाओ। सीट को खोलो और बैठते जाओ, आगे चलते जाओ ना, सीट खोल के आगे चलते जाओ। हाँ जी, हाँ जी, कुछ चलो सारी खोलो, उधर आ जाओ, कोई ठहरो ना, गुजरने दो फिर खोलना। फतेह शेर कॉलोनी से। हाँ जी, फतेह शेर कॉलोनी से। आपको उन्होंने कहा क्या, कहा कहाँ बैठी है, बोला। मेरी बात सुने, मुझे उन्होंने कहा है कि बस वो पहली बार लाने छोड़ दी, पीछे जहाँ मर्जी बैठ गए, वो जो वहाँ जो नीचे है ना जगह, अंदर कैब काफ़ी ज़्यादा है, वहाँ पर वो छोड़ के कहीं बैठ गए। चलो अम्मी तुम आगे, चलो चलो अब तुम चलो हमारे साथ में आते, हमारे साथ मरीम आ जाती, फिर मैं आ जाती हूँ, फिर अनुष्का। मैं फ्रंट पे बैठ, मैंने फ्रंट पे बैठ, चलो यहाँ पर आके ऐसे करना, यहाँ यहाँ आओ मेरे साथ, यहाँ अम्मी इतने दूर चले गए, यहाँ उरा उरा आओ। चलो ठीक है, रिश्वन उधर काट के, तू उधर उधर। अच्छा तुम देखो मेरी चीज़ें, चल हाय कर दो, हाय कर दो। अस्सलाम वालेकुम बोलो। वालेकुम अस्सलाम जी। हम अल्हम्दुलिल्लाह आ चुके हैं, बहुत ज़बरदस्त माहौल है इधर का, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। वहाँ पे सामने अल्हम्दुलिल्लाह हमें सामने जगह मिल गई है उस्तादा के, तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि उस्तादा का फेस नहीं दिखाएंगे, दिखाए बगैर लाइव आएँ। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उठ के नीचे बैठ के। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। साइड बड़े फूट के नीचे बैठे वा
और हमें इस हालत में वफ़ात देना कि हम फर्माबरदार हों। फिर दूसरी दुआ कुछ इसी मानों में दूसरी जगह पर भी आती है, सूरतुल बकरा आयत नंबर 250 में, रब्बना अफ़रिग़ अलैना सब्रन वसब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। ऐ हमारे रब, हम पर सब्र उंडेल दे और हमारे कदमों को जमा दे और काफिर लोगों के मुकाबले में हमारी मदद फरमा। उस्तादा से एक और ज़बरदस्त बात सीखने को मिली कि ईमान की दो हिस्से हैं, आधा हिस्सा शुक्र है और आधा हिस्सा सब्र है। सब्र जन्नत में ले जाने वाले अमल में जन्नतियों की अलामत है। मोमिन को मौत तक सब्र करना है। एक ऐसी ज़बरदस्त बात बताई कि मैं सुनकर दंग रह गई। सब्र चार किस्म का होता है। हाँ, ये था मेरी गुफ्तगू का असल टॉपिक जिससे मेरी गुफ्तगू का आगाज़ हुआ। हाँ, सब्र की पहली किस्म है, नंबर 1, अल्लाह की इताअत के लिए इबादत पर जमे रखना। नंबर 2, गुनाहों से बचने के लिए सब्र करना। नंबर 3, तकलीफ तकदीर के फैसलों पर सब्र। नंबर 4, लोगों की अजियत पर सब्र। और लेक्चर के दौरान साजा ने एक ऐसी बात क्या कह दी कि मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं चौंक कर रह गई कि उस साजा ने जैसे दिल को पकड़ कर झुंझोड़ा हो। तकवा की 3 अलामत ऐसी बताएं कि लगा ये तीनों हम में पाई जाती हैं। नंबर 1, तकवा में ये देखें कि अल्लाह की इताअत कितनी करता है। नंबर 2, अल्लाह की नाफरमानी से कैसे बचता है। नंबर 3, अपनी ज़ुबान का इस्तेमाल कैसे करता है। अल्लाहु अकबर, अस्तग़फिरुल्लाह, ये तीसरे ने तो मुझे झंझोड़ कर रख दिया। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हमको अमल करने वाला बनाए, क्योंकि आजकल ज़ुबान से अपने आप को बचाकर तकवा की लिस्ट में शामिल करना उससे बड़ी सआदत कोई नहीं। आखिर में उस्तादा ने ज़ुबान को गलत बातों से बचाने के लिए जो लोगों के बारे में गलत गलत सोचें और वसवसे आते हैं, इसके लिए ये दुआ 3 बार पढ़ कर अपने दिल पर थूथकारना है, यानी थू थू करना है, फूंक नहीं मारनी। कौन सी है वो दुआ? अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। मैं पनह मांगता हूँ अल्लाह की जो सुनने वाला है, जानने वाला है, शैतान मर्दूद से, उसकी दीवानगी से, उसके किबर से, उसके किबर से और उसके शेरों से। बातें बहुत हैं, ये भी तहरीर लंबी ज़रूर हो गई है, इस पर माजरत, मगर उम्मीद है सबको इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। अल्लाह जी अमल वाला बनाए। इस साजा के लिए दुआ करते चलें और आमीन कहिएगा सब। ऐ हमारी रूहानी माँ, प्यारी साजा, अल्लाह आपकी हर कदम पर हिफाजत फरमाए और आपको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ और रोज़े को सर नसीब फरमाए। आमीन। जन्नत में मेरा और आपका मिलना मेरे मुकद्दर में कर दे। आमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम उस्तादा के लेक्चर अल्हम्दुलिल्लाह ले चुके हैं, अब हम निकल रहे हैं। अब हमारी वापसी हो रही है, ये पीछे मेरे आधे आधे चलो 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 इधर मेरे पीछे पीछे आ जाए। मैं चाह रही थी मनजा ने पूछ लो कहाँ है, मैंने बोला मेरे पीछे लग जाए। मैं कहा मरियम तेरे अगे सी। नहीं कदों मेरे अगे सी, सारे मेरे पीछे सी। मैं वो भी नहीं नजर आ रही, वो कितने मनजा वाल तो नहीं हो गया। ओ मनजा वाल ओ देखो मरियम ही होनी फिर उ बाजू पकड़ ला पकड़ दिया।